आप सब लोगों का यहाँ पर स्वागत भी करता हूँ और आपके मदन मोहन शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि सर दो शब्द आप कहें। थैंक यू। मातृशक्ति के लिए ये कार्यक्रम सम्मान और उत्थान महिलाओं के लिए एम्पावरमेंट के लिए प्रोग्राम आयोजित है और समर्पित है और इसमें मातृशक्ति केवल मात्र यही समाज में जो हमारे हिंदू समाज में है या हमारे हिंदुस्तान में है तो इनका सबसे बड़ा योगदान रहता है समाज में। तो इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत बधाई हो इस प्रोग्राम के लिए ऑफिसर्स एसडीओ और जो तीसरा स्तंभ हमारे समाज का कहा जाता है प्रेस का जिसमें अमर उजाला वाले तोमर साहब और अन्य इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के राजेश जी जो सदस्य हैं सभी को बधाई देता हूँ इस कार्यक्रम के लिए। ये जो राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत मोदी जी की तरफ से जो प्रोग्राम दिल्ली 2019 से शुरू किया गया है इसके तहत ही ये प्रोग्राम बनते हैं और ब्लॉक के थ्रू ये प्रोग्राम चलते हैं और आपको बहुत सारी जानकारी शायद मिल भी गई होगी कि किस किस्म से ये आगे बढ़ना है और जो यहाँ ग्रामीणों में महिलाएं अपना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट कर सकती हैं उसके लिए गाइड भी किया होगा और मैं भी मेरे भी प्रयास है कि हम चाहते हैं कि महिलाएं जिनका सबसे ज़्यादा योगदान घरों में हमारे घरों में होता है वो और भी आर्थिक रूप से भी संपन्न हो इस चीज़ की मैं आशा करता हूँ क्योंकि सुबह से लेके शाम तक का सबसे ज़्यादा जो वर्किंग आवर्स है वो महिलाओं के ही हम लोग समाज में उच्च स्थान पाते हैं उनकी प्रेरणा से ही हम लोग यहाँ खड़े हैं प्रोग्राम कर रहे हैं और आगे बढ़ते हैं। तो ये सम्मानजनक स्थिति इनकी रहनी चाहिए और स्वरोजगार भी महिलाओं के लिए जो प्रधानमंत्री मोदी जी की स्कीमें हैं उनसे काफ़ी हिमाचल प्रदेश भवन एवं निर्माण कामगार जो बोर्ड है इसके तहत भी वीडियो साहब बैठे हैं इनको ज़्यादा इसके मालूम है और स्कीम साथी रखी है और उसके फंडिंग भी होती है तो इससे फायदा लिया जा सकता है। और आजकल मैं माता बहनों से कहना चाहता हूँ कि जो अभी कोरोना पीरियड में हमारे जो मसाले हैं उसके बारे में पूरे संसार में इसकी प्रसिद्धि हुई है कि जो अगर हम लोग अपने मसाले उगाएं या जैसे घरेलू हल्दी है या अदरक है उसके पाउडर बना के और क्योंकि ब्यूटी में मिलता नहीं है बाजार में अशुद्धियाँ होती हैं उसमें और वो मशीनों से बना होता है तो अगर महिलाएं इस चीज़ में जाएँ जैसे हम लोग जो मिर्चें भी उगाते हैं तो वो उनका पैकेट किया जा सकता है और यही बाजार में लोकल बाजार में किया जा सकता है और यहाँ पर शहर नज़दीक है जगह लोग हैं और चंडीगढ़ वगैरह में पर और हम पूरे हिंदुस्तान में खपत उसकी कर सकते हैं अगर अच्छी क्वालिटी होगी तो वो बिकेगा भी। जैसे कि राजेश जी कह रहे थे कि इनके गांव का शहर है वो बड़ा मशहूर है और वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक गया है जबकि छोटा सा गांव है और वहाँ महिलाओं ने प्रयास किया इस बात के लिए तो इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए यहाँ की प्रबुद्ध महिलाओं से भी मैं आग्रह करता हूँ कि इन छोटी छोटी घरेलू जो चीज़ें हैं उसमें उस तरफ ध्यान दें और उसमें वीडियो साइड गाइड कर सकते हैं या एनजीओ गाइड कर सकते हैं या अगर हमसे भी कोई सलाह मशवरा करना चाहें एनजीओ तो हम भी इसके बारे में कर सकते हैं कि मैं शादी के लिए है चिकित्सा के लिए है या रोजगार छोटे रोजगार उत्तर कराने के लिए है विकलांगता है पेंशन है और विधवा पेंशन है इस तरह के चीज़ें इस बोर्ड के तहत आती है तो और इन चीज़ों को फायदा लेना चाहिए। सरकार हमारी यहाँ पर इसके लिए काफ़ी सहायता दे रही है और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भी इस चीज़ को आगे बढ़ाया है। 2009 में ये कामगार बोर्ड का गठन हुआ था
तब से ये कार्यरत है और आगे बढ़ रहा है और आप लोगों के सहयोग से आगे बढ़ता रहेगा। छोटे छोटे काम आते हैं, ये कारखानों के अलावा सभी किस्म के भवन निर्माण है, कोई सड़क निर्माण है, पुल है, पुलिया है, और कोई टेलीफोन के तार है और संबंधित कोई तालाब है या इससे कोई जोड़ है उसके लिए कार्यरत महिला और पुरुष होते हैं, उसके लिए ये कामकार बोर्ड का है गठन और इसके तहत रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। और ये बहुत सारी जानकारी दी जा सकती है हमारे सरकारी माध्यमों पर, मुझे सोचा कि हाँ बुलाया से भी 30 तारीख को नगर जी का कार्यक्रम है कोटा में और उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, आए और उनका संबोधन तो सुने। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे सम्माननीय हैं और दूसरे वैसे भी उनका व्यक्तिगत संबंध है, मेरे घर भी एक दो बार पहले आए जब वो मंत्री थे और स्वास्थ्य मंत्री केंद्रीय थे, तो उनका संबोधन सुनने को मिलेगा, मार्गदर्शन मिलेगा। ऐसे में कामना करता हूँ कि आप लोग प्रचार के हिस्सा लेंगे। जय हिंद, जय भारत।